हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 7 सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी। इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी रीड कंप्लीट चैप्टर एंड अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड हिंदी मीनिंग। चलिए एक छोटा सा समरी समझ लेते हैं, एक बार चैप्टर को रिव्यू कर लेते हैं। ये चैप्टर जो है ये धन गोपाल मुखर्जी की बुक करी द एलिफेंट, इसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ, एक चैप्टर समझ लीजिए, एक चैप्टर लिया है इस बुक में से, जिसकी समरी है दिस स्टोरी इज अबाउट 9-year-old बॉय एंड 5-month-old एलिफेंट करी। बोथ ऑफ देम ग्रू टुगेदर। आप जैसे फोटो में भी देख रहे हो कि करी और उसका मास्टर दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। द करी फर्स्ट थिंग विच करी डिड वॉज टू सेव अ बॉय। करी ने सबसे पहले एक बच्चे को डूबने से बचाया है। उसके बाद हमने ये देखा कि करी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है, बहुत शरारती है और उसे हर बात बनानी पड़ती है। एक बार उसको बनानास का टेस्ट बड़ा अच्छा लगने लगा था, इस वजह से ही स्टील द बनानास एंड द नरेटर वॉज वेरी एनॉयड सो ही स्कोल्डेड करी फॉर हिज मिसचीफ। द नरेटर टुक ऑल द एफर्ट टू टीच एलिफेंट टू वॉक टू सिट डाउन। उसको मतलब हर चीज सिखाता था कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज टू टीच द मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या होता है? मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज राइजिंग साउंड विच कैन हेल्प द मास्टर रीच होम इफ वन इज लॉस्ट इन द जंगल। करी टुक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। आप देख रहे हो ना, मास्टर कॉल में क्या होता है कि एक साउंड से एलिफेंट को बताते हैं कि मास्टर की जान खतरे में है, तो वो पूरे जंगल का रास्ता खाली करके मास्टर को सेफली घर पहुंचा देता है। चलिए क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर, द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अ थैच्ड रूफ दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम। एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पेविलियन ऑन द पेज 8 एंड से व्हाई इट वॉज बिल्ट ऑन बिल्ट दैट वे। करी का जो पेविलियन है ना, वो ट्री स्टम्प के ऊपर बनाया हुआ था और सिर्फ उसको एक थैच रूफ मतलब घास फूस की रूफ से उसको कवर कर दिया गया था। तो वो ट्री स्टम्प क्यों बनाए गए थे? द करी पेविलियन वॉज बिल्ट ऑफ थैच रूफ दैट ले ऑन थिक स्टम्प ट्री स्टम्प्स बिकॉज इट वॉज वेरी हाई एंड वुड नॉट फॉल व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द बॉल। जो पेविलियन है ना, वो स्टम्प जो स्टम्प्स हैं वो लगाए नहीं गए हैं, बल्कि ऑलरेडी जो पेड़ थे उनको अगर ऊपर से कट कर दो, ठीक है, उनकी ब्रांचेस वगैरह नहीं है, सिर्फ वो पेड़ है, तो उसी से ही बैम्बूस को बांध के, लंबे पेड़ों पे बैम्बूस को बांध के और उसको सिर्फ रूफ को घास फूस से कवर किया गया है। तो वो ऑलरेडी जो थिक पेड़ है उनको लिया गया है ताकि अगर करी इधर उधर चले तो उसका, देखो वेट कितना ज़्यादा है, तो उसके साइज से, उसके वेट से अगर कभी वो बैम्बू को टक्कर लगा दे, ठीक है, तो वो गिरे ना, इसीलिए उसको इस तरह का पेविलियन बनाया है। सेकेंड क्वेश्चन, डिड करी इन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या उसको सुबह नहाना अच्छा लगता था? अगर हाँ तो आप आंसर मतलब बताए क्यों। यस, करी यूज टू इन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। करी को रिवर में नहाना अच्छा लगता था एज ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो लंबे समय तक वहाँ पे लेटा रहता था। थर्ड क्वेश्चन, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम, वाई? करी के लिए अच्छी अच्छी ट्विग्स टहनियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, लंबा टाइम लगता था, क्यों? द ऑथर वुड क्लाइंब ऑल वेराइटीज ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट ट्विग्स फॉर करी। ऑथर हर तरह के पेड़ों पर चढ़कर
नाजुक नाजुक टहनियां तोड़ता था। इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। अगर एक ट्विग टेढ़ी मेढ़ी हो ना तो उसको एलिफेंट नहीं खाता। सो फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था। वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम। करी ने अपने फ्रेंड को नदी में क्यों गिरा दिया था। करी पुश्ड हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम बिकॉज देयर वॉज अनदर बॉय हु वॉज ड्रॉनिंग इन द रिवर। करी ने अपने फ्रेंड को खींच के नदी में इसलिए गिराया था क्योंकि वहाँ एक और लड़का था जो कि डूब रहा था। करी वॉन्टेड हिज फ्रेंड टू सेव द लाइफ ऑफ दैट बॉय। और करी चाहता था कि उसका फ्रेंड उसकी जान बचाए, उस लड़के की जान बचाए। फिफ्थ क्वेश्चन, करी वॉज लाइक अ बेबी। वट आर द मेन पॉइंट्स टू ऑफ कंपेरिजन। करी एक छोटे बच्चे की तरह था, आप ये कैसे कह सकते हो। करी वॉज लाइक अ बेबी बिकॉज इट हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड जस्ट लाइक अ बेबी। करी एक बच्चे की तरह है और उसको बच्चों की तरह ही ट्रेन करना पड़ता है कि हमें अच्छा बच्चा कैसे बनना है। इट हैड टू बी टॉट when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. करी को सब कुछ सिखाना पड़ता था, कब बैठना है, कब खड़े होना है, कब चलना है, कब तेज चलना है। when it was naughty, और जब वो शरारत करता है, it need to be scolded, और तो उसको सजा भी देनी पड़ती थी। and if it not, और सजा ना दो तो it will do more mischief, तो वो ज़्यादा शरारतें करता था। 6. करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनी वन नोटिसिंग इट। हाउ डिड ही डू इट। करी ने ऐसा कैसे करा। करी स्टोल द बनानास फ्रॉम द टेबल नियर द विंडो इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के टेबल पे जो कि विंडो के बिल्कुल पास था बनानास थे, करी ने वो चोरी कर लिए। ही पुट हिज ट्रंक थ्रू द विंडो। उसने अपनी जो ट्रंक है, अपनी सूंड है, वो विंडो से डाली। वेरी मच लाइक अ स्नेक, इतनी खींच के स्ट्रेच करके डाली कि ऐसे लग रहा था जैसे कि सांप अंदर घुस रहा हो। एंड डिसअपियर विद ऑल बनाना, और एक बनाना उठा के एकदम से ही छुप गया विदाउट एनी वन नोटिसिंग, और किसी ने ये चीज नोटिस ही नहीं कर पाया। 7th क्वेश्चन, करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। वट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड। करी ने बैठना और चलना सीख लिया था, उसके लिए क्या कमांड थी। वेन करीज फ्रेंड पुल द हिज ईयर एंड से धत। जब करी का फ्रेंड उसका कान खींचता था और धत बोलता था तो वो बैठ जाता था। ही सिट डाउन एंड वेन ही पुल्ड हिज ट्रंक फॉरवर्ड एंड से माली करी वॉक्ड। और जब वो उसकी ट्रंक सूंड को आगे खींचता था और माली बोलता था तो करी चलने लगता था। वट इज अ मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या होता है। वाई इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। ये हर एलिफेंट को क्यों सीखना चाहिए। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। मास्टर कॉल एक अजीब सी आवाज़ होती है, जैसे कि एक शेर या एक सांप की आवाज़, जैसे वो आपस में लड़ते हैं। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर एन एलिफेंट, बिकॉज वेन एवर मास्टर इज इन ट्रबल, वन मास्टर कॉल विल ब्रिंग द एलिफेंट नियर हिम। ऐसा इसलिए होता है इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब भी मास्टर अगर मुसीबत में है तो वो इस तरह की आवाज़ निकालेगा और एलिफेंट अपने मास्टर को सेव करने के लिए उनके पास पहुंच जाएगा। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू टू कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइज एंड अंडरस्टैंड ऑल इन हिंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।